मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संजय नगर राशन दुकान गली में एक खूनी वारदात की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक करीब 6 से 7 सफाई कामगारों ने मिलकर कैफ नाम के एक लड़के पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि फावड़े के बेट से कैफ के सर पे वार किया गया और बियर की बॉटल जो है कैफ के सर पर मार के फोड़ दिया गया और वही फूटी हुई बॉटल कैफ के पीठ में भी मार दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी और एक हथियार से कैफ के पीठ में वार किया गया है। कैफ 22 वर्षीय ये मुंब्रा के संजय नगर का रहने वाला है और घायल अवस्था में इसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो सफाई कामगार है इनमें से भी 3 सफाई कामगार घायल हुए हैं, जिनके नाम है राजू शिंदे और रेनॉल्ड और एक तीसरा है जिसका नाम है परवीन रेनो। ये 3 लोग सफाई कामगार ये घायल हुए, इनका भी इलाज कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल आपको ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ वो बताते हैं। कैफ और सफाई कामगार के बीच में कल रात के समय ही संजय नगर के नाके पर जहां कचरा फेंका जाता है वहां पर अभिषेक कंस्ट्रक्शन की जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो खड़ी रहती है और इसी गाड़ी पर एक लड़का पेशाब कर दिया, जिसके बाद सफाई कामगार राजू शिंदे और उस लड़के के बीच में पेशाब करने को लेकर विवाद हो गया। उसी वक्त कैफ भी वहां मौजूद था, तभी उस लड़के ने राजू शिंदे के सर पर बामू से मार दिया और राजू शिंदे के करीब 9 टाके सर पर लगे हुए हैं। मगर अभिषेक कंस्ट्रक्शन के जो सुपरवाइजर है जो नाइट में थे मोइनुल, उन्होंने इस पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी थी। मगर सुबह के वक्त करीब 6 से 7 सफाई कामगार संजय नगर में पहुंचे और कैफ पर जानलेवा हमला कर दिया, ऐसा आरोप कैफ का परिवार लगा रहा है। बहरहाल कैफ का इलाज कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में चल रहा है और कैफ की मां नाजरीन ने इस हमले को लेकर क्या कुछ बताया है, क्योंकि जिस वक्त कैफ को मारा जा रहा था वो भी वहां पहुंच गई। मेरे को फोन आया मेरे बेटे का, वो नाश्ता करके मेरा बच्चा निकला, मैं बोली उसको बच्चे से खेल उल के निकला मेरा बच्चा नाश्ता करके, उसने में मेरे छोटे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी भाई को ऊपर सब लड़के मार रहे हैं मिल करके, तुम जाओ जल्दी से। मैं निकली और भागते भागते मैं गई तो सारे देख रही हूँ कि 8-10 लड़के ऊपर मार रहे मेरे बच्चे को। मैं भाग कर गई, छुड़ा के मैंने बच्चे को गले लगाई और फिर भी मेरे को उठा उठा के लोग फेंक रहे हैं, उठा उठा के फेंक करके मेरे बच्चों को के पास सुला के मारे, मेरे को गिराए उन लोगों ने, मैं अपने बच्चों को ले के गिर रही हूँ। उसके बाद उन लोग ने बॉटल बियर की लेकर आए, वो बॉटल सर पे उसके मारे, वो उसको सर पे मारे तो उसको बेहोशी आ गई। फट से मैं उसको लेके फिर भी पकड़ी था तो गिरने लगा, मैं लेकर मोटर पे गिर गई वायर के। उसके बाद में उन लोग ने कैंची लेकर आया और कैंची सीधा उसके पीठ में घुसेड़ दिए उसके। तभी भी मैं घुसेड़ने के बाद फिर वो चाकू लिया था, चाकू लेके उसको गिराए मैं अपने बच्चे के ऊपर लेटी हुई कि मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। फिर वो चाकू लेके मेरे को बोल रहा है कि मार दो चाकू। उसके बाद सब इतना बड़ा पत्थर लेकर आया और मेरे बच्चे के सर पे 5-6 बार धार धार मारा। मैं उस लोग से रो रो के माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, अगर गलती हुई होगी तो मेरे को माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। पर मेरे बच्चे को पकड़ उसको बोलते नहीं, आज इसकी जान ले लूँगा मैं, आज उसको जान से मार डालो। दो जन थे, दोनों जन जान से मेरे बच्चे को मार रहे थे वो एक, और उन लोग ने सब ड्रिंक किए हुए, सब ड्रिंक करके मारा मारी कर रहे थे उन लोग, मेरे को उठा उठा फेंक रहे। उन लोग को इतना भी नहीं था कि औरत जात को छोड़ देने का, नहीं औरत जात को भी। मैं अपने बच्चे को, लड़के को लगा का है? मेरे बच्चे को पीठ में लगा और सर पे उन लोग ने खुद को। इधर क्या बोल रहे? अभी इन लोग लेकर गए हॉस्पिटल में, साइन लेके जाने बोल रहे हैं उन लोग कि उसको साइन लेकर जाएंगे। अभी मेरे को पता नहीं है। वही अभिषेक कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर बापू मखरे ने भी बताया है कि हमला जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो रात में विवाद हुआ था उसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई थी, मगर दिन के वक्त जो हमला हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये भी बताया कि उनके 3 सफाई कामगार घायल हुए हैं, एक रात में घायल हुआ था और 2 कामगार सुबह के वक्त जो हमला हुआ उसमें घायल हुआ है। बापू मखरे का कहना है कि दोनों तरफ से हमला हुआ है, मगर ये भी बताया बापू मखरे ने कि जो आज दिन में हमला हुआ इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। बहरहाल
बापू मकरे जो अभिषेक कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है। बापू भाई, रात में कुछ विवाद हुआ था सफाई कामगार के साथ में संजय नगर इलाके में, और ऐसा जानकारी आ रहा था कि रात का विवाद सुलझ गया था। सफाई कामगारों ने शिकायत दर्ज कराई थी मारपीट का, लेकिन आज सुबह में सफाई कामगारों ने मिलकर एक कैफ नाम के लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा है। चाकू और बियर की बोतल फोड़कर उसके पेट पीठ पे वार भी कर दिया है, सर में भी फावड़ा लेकर मारा है। और आप उसी सफाई कामगार के सुपरवाइज़र हैं, तो क्या पूरा मामला ये हुआ था? हालांकि ऐसा है कि राजू बाबू शिंदे ये जो सफाई कामगार है, वो संजय नगर के स्पॉट पे खड़ा था गाड़ी के पास। वहाँ के कुछ तीन चार लोगों ने आके वहाँ पे जो गाड़ी खड़ी रहती उस पर पेशाब कर रहे थे, तो राजू बाबू शिंदे ने उनको रोका। तो रोकने के वजह से दोनों में गाली गलौज हो गया, और फिर ये लोग नशे में थे। ये लोग ने वहाँ पे एक बाम्बू गिरा था, बाम्बू से ये राजू बाबू शिंदे के सर में मारा, और उसके वजह से 9 से 11 टाका उसको शिवाजी में ले गए। वहाँ जब मुझे रात में 1:30 बजे फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि भाई उसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। वहाँ पे जो हमारे नाइट के सुपरवाइज़र मुनाब भाई, वो पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन ने मेमो दिया, फिर शिवाजी हॉस्पिटल गए। शिवाजी में 9 टाका या 11 टाका उनको गिरा। तो फिर सुबह हम पुलिस स्टेशन गए, तो बोले कि नाइट वाले आएंगे और उनको कार्रवाई होगी। पुलिस स्टेशन ने FIR लिया और वो कार्रवाई कर रहे थे। अभी आपने जो बताया कि दोपहर में कुछ हुआ है, तो दोपहर में मेरे मालूमात के हिसाब से 2 गुट में झगड़ा हुआ रात का, ये देख के, क्योंकि ये लोग कहते कि वो मारने आए, वो कहते हमने वो मारने आए। तो दिन में जो प्रवीण मेरोल और दूसरा रेनॉल, ये दोनों शिवाजी हॉस्पिटल में है। मुझे अभी ऐसा भी पता चला कि सामने वाले भी हॉस्पिटल में है। तो हालांकि जब पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल हुआ, पुलिस स्टेशन कार्रवाई कर रही थी, तो इन्होंने आपस में वापस झगड़ा नहीं करना मांगता था। भाई, ऐसी जानकारी आ रही कि जो सफाई कामगार है, ये लोग रात के विवाद को लेकर जो है सुबह संजय नगर इलाके में ढूंढ रहे थे इस कैफ को, कैफ नाम का जो लड़का उसके ढूंढ रहे थे, और अचानक वो सामने पड़ गया और उसे करीब 20 से 25 मिनट तक जो है उन लोगों ने राशन वाली गली में उसके साथ मारपीट की, उसके जो है बॉटल फोड़कर उसके पीठ में घोंप दिया, फिर चाकू भी घोंप दिया, सर में भी फावड़े के बेट से वार किए। ये आप ही के कंपनी के सफाई कामगार, अगर ऐसा उन्होंने जा रहा है करीब 5 से 6 लोग थे, अगर उन्होंने ऐसा किया रहेगा तो गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई होएगा। मगर हमारा ऐसा है कि जो नाइट में रात में 11 बजे आते हैं, वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 7 बजे से हम लोग फिर दोबारा दूसरा टीम आता है। और ये जो दोपहर में हुआ, ये पूरा खबर हमको अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल में मैं सुना ऐसा कि दोनों हॉस्पिटल में, इसके लिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है। और पुलिस कार्रवाई करेगी, हालांकि कभी ऐसा हुआ होना नहीं चाहिए, मगर हुआ तो पुलिस को काम करने देना चाहिए, जबकि दोनों में झगड़ा करके दोनों के घर तकलीफ में आए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वही रात में हुई मारपीट में सफाई कामगारों ने FIR तो दर्ज करवा दी थी, मगर आज दिन में हुई जो खूनी वारदात है, इसमें हमारे खबर चलाने तक पुलिस ने सिर्फ दोनों तरफ से बयान दर्ज किए थे, किसी भी तरफ से FIR दर्ज होने की जानकारी हमें नहीं मिली थी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।